स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 34 से आपको बताएंगे, और प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो होगी इस एक्सरसाइज की। ओके, देखो, ए आपको एक मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स पता लगाना है सच दैट बी ए यानी बी और ए का प्रोडक्ट आई के बराबर होगा, जहाँ पे आई क्या है, आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। तो आई अगर यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की तो होगा कितना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके डायगनल एलिमेंट 1 1 हो जाते हैं और बाकी के 0 0 रहते हैं। ये 2 क्रॉस 2 या ऑर्डर 2 की है यूनिट मैट्रिक्स का, ठीक है ना? 2 क्रॉस 2 तो समझते हो ना, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है ना? चलिए कर लेते हैं, सोल्यूशन आसान है। बी ए इज इक्वल टू आई, बी ए इज इक्वल टू आई, बी कितना है, बी मैट्रिक्स आपको पता लगाना है। चलिए, बी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे ए बी सी डी, कैसे होंगे ज़रा देखो। ए कितना है, 3 -4 -1 2 इज इक्वल टू आई, आई कितना होता है अभी बताया, ये होता है 1 0 0 1। अरे भैया इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका भी कितना है, 2 क्रॉस 2 है, तो प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा, सही तो है ना? समझ में आया कि नहीं, एक स्टेप मैं आगे गया हूँ। मैंने आपको बी का ऑर्डर नहीं बताया कि बी का ऑर्डर आए कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बहुत पता किया है, ठीक है ना? नहीं समझी मेरी बात, देखो बता देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे, जो बच्चा डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, बता देता हूँ। देखो आप बी लिखोगे इंटू, ए लिखोगे 3 -4 -1 2, फिर आई लिखोगे, आई कितना है 1 0 0 1, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है बी और ए का, ए की जगह पे ये है, बी और ए का प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि भैया फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर होगा वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो नंबर के बराबर होगा, सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो नंबर है 2, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर कितना हो जाएगा, कॉलम नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना? और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो रो नंबर होता है वो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का भी रो नंबर होता है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो नंबर कितना है ज़रा बताओ, रो नंबर इसको कहते हैं, ठीक है, पहले जो लिखा रहता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का रो नंबर 2 है, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स बी का भी रो नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का ऑर्डर कितना आ गया, बी का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 को आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होता है, 2 रो और 2 कॉलम, तो मैंने 4 एलिमेंट मान लिए, ये देखो, देख लें अपनी समझ में आ रहा, ठीक है, 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को रोज कहते हैं, वर्टिकल वाले को कॉलम कहते हैं, 2 क्रॉस 2 का आ गया, क्लियर है? यही चीज़ मैंने उसमें डायरेक्ट लिख दिया था, क्योंकि ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ, मुझे लगा आपको आ गया होगा, हाँ तो क्या होगा जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट खोल के सोचेगा लास्ट के क्वेश्चन है टफ हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी इसको डायरेक्ट देखूँ तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसके लिए मैंने समझा दिया है, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसके बाद तो कर ही लोगे आप, चलो कर लेते हैं इसके बाद, समझ में आ रहा है ना? देखो पहला रो पहला कॉलम करो, ये हो जाएगा 3 है, ए को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 है, बी को -1 से करेंगे तो आएगा -b, पहला रो दूसरा कॉलम, ए को -4 से करेंगे तो आएगा -4 है, बी को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2b, ठीक है, दूसरा रो पहली कॉलम, सी को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3c, डी को -5 से करेंगे तो आएगा -t, ठीक है ना? अच्छा इसके बाद समझना, दूसरा रो दूसरी कॉलम, सी को -4 से करेंगे तो आएगा -4c, डी को 2 से करेंगे तो आएगा 2d, ये बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 के। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब समझना इसके बाद, ठीक है, आ जाएगा आंसर लेकिन समझना अच्छे से। 3c - d को आप 0 से कंपेयर करेंगे, 3c - d को आप किससे कंपेयर करेंगे, 0 से, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, 3c आएगी ना, अभी किसी की वैल्यू नहीं आई लेकिन समझना d की वैल्यू कितनी आ गई, 3c, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बात है तो बताओ, ओके समझ गया ना? अब देखो -4c + 2d = 1 है, कितना है
माइनस फोर सी प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना है, वन है। अरे भैया ये वाली चीज़ जीरो के बराबर हो गई, तो माइनस फोर सी प्लस टू डी वन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? माइनस फोर सी प्लस टू इंटू डी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। डी की वैल्यू यहाँ से देखो क्या निकली थी, डी की वैल्यू थ्री सी निकली है ना, तो डी की जगह पर आप थ्री सी रख दो इज इक्वल टू वन। जाएगा माइनस फोर सी, टू थ्री जा सिक्स, आ जाएगा सिक्स सी इज इक्वल टू वन। माइनस फोर सी प्लस सिक्स सी, आएगा टू सी इज इक्वल टू वन। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। समझ में आया नहीं आया? कैसे किया है? अभी जो सी की वैल्यू आई है 1/2, इसको उठा के पलट के इसमें रख दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। समझ में आया? आपने दो वैल्यू निकाल लिए सी और डी की। अब ए और बी की भी निकाल लेंगे, ये तो आसान है, देखो कैसे निकलेगी। 3a-b को आप 1 के बराबर पुट करेंगे, 3a-b को आप इसके बराबर पुट करेंगे 1 के बराबर। माइनस फोर ए प्लस टू बी, माइनस फोर ए प्लस टू बी को आप किसके बराबर पुट कर देंगे, इसको 0 के बराबर। चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए कर लें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है दोनों, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए कर दें, चाहे एलिमिनेशन से कर दें, आपकी मर्जी है, मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, 2 × 3 = 6a। 2 को माइनस बी से करेंगे तो जाएगा माइनस टू बी इज इक्वल टू, 2 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2। इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस फोर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 0। माइनस टू बी प्लस टू बी ख़त्म, 6a - 4a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, ए की वैल्यू आ गई 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है? ए की जगह उठा के इस जगह पे, किस जगह पे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर दो, उठा के पुट कर दो। तो पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट कर दो। तो 3 × 1 - b इज इक्वल टू 1, 3 - b इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले आए, बी को इधर भेजें, 3 - 1 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी चली गई, 2 चली गई। क्लियर है? समझ में आया? ए बी सी डी सब की वैल्यू निकल के आ गई है। आपको कौन सा मैट्रिक्स बताना था, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स को आपने कैसे दिखाया था, ए बी सी डी करके दिखाया था ना, ए बी सी डी करके इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपने इस तरीके से दिखाया था। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, एलिमेंट पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। बी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। सी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है। डी की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है। आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बेटा? देख लो, आसान तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। ठीक है, आई तो जानते हो ना, आई यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसके एलिमेंट होते हैं 1 0 0 1, और इसका ऑर्डर होता है 2 × 2। ठीक है, इसमें दो रो हैं, दो कॉलम हैं, दो रो दो कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाला रो, वर्टिकल वाला कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद देखो, 4 2 - 1 1, एम इज इक्वल टू 6। आई किसको कहेंगे, 1 0 0 1, ये चीज़ 6, आई आई की जगह आई की वैल्यू रख दिया। ठीक है, 4 2 - 1 1, एम इज इक्वल टू 6 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दे जाएगा 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, 6 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 6 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा। ठीक है, अब समझना, इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर भी है 2 × 2। एम का ऑर्डर कितना आएगा, पहले वाले का कॉलम नंबर दूसरे वाले का रो नंबर होता है, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। यहाँ प्रोडक्ट हुआ, इसका मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर होगा वो सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो नंबर हो जाएगा। तो रो नंबर हो गया, कितना हो गया, जो पहले वाले का कॉलम नंबर है, पहले वाले का कॉलम नंबर है 2, ये 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है? अब देखो, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसका जो कॉलम नंबर होता है ये सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर हो जाता है। ठीक है, इसका कॉलम नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर। समझ में आया ना? अरे भैया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो कॉलम नंबर होता है वही सेकेंड वाली मैट्रिक्स का भी कॉलम नंबर होता है। ठीक है,
तो एम्स का ऑर्डर कितना आ गया, एम मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया, रो इंटू कॉलम करते हैं, रो भी टू है कॉलम भी टू है तो 2 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, एम को आप दिखाएंगे कैसे बताओ, किस तरीके से दिखाओगे, कुछ इस तरीके से दिखाओगे ना, ए बी सी डी 4 एलिमेंट होंगे, 2 क्रॉस 2 लिख दोगे, ऐसे ही तो दिखाओगे ना, कैसे नहीं दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे ना। चलो अब चलो एम की जगह बुटा के चीज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। फोर टू माइनस वन वन, 1 मिनट, 4 2 माइनस वन और ये 1, ठीक है, और ए बी सी डी ये चीज़ सिर्फ 1 0 0 1 नहीं पुट करना, 6 आई था तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स पुट करेंगे 6 0 0 6, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम। चलो करते हैं, 4 2 4 को ऐसे करेंगे तो 4 ए आएगा, 2 को सी से करेंगे तो हो जाएगा +2 सी, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 4 को बी से करेंगे तो 4 बी हो जाएगा, 2 को डी से करेंगे तो हो जाएगा 2 डी, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस ए को सॉरी माइनस वन को ए से करेंगे तो आएगा माइनस ए, ठीक है ना, फिर 1 को सी से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, सी आएगा सिर्फ, ठीक है, समझ में आया ना, इसके बाद समझना, दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस वन को बी से करेंगे तो आएगा माइनस बी, 1 को डी से करेंगे तो आएगा +टी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 0 0 6, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे ना, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना, नहीं समझ में आया, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए इधर जाएगा तो सी की वैल्यू ए के बराबर आ गई, ठीक है, नहीं समझ में आया, आया ना बेटा। चलो अब समझना, अब इसकी हेल्प से देखो हम ए और सी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, 4a + c इज इक्वल टू 6 है, कितना है 4a + 2c इज इक्वल टू 6 है, अभी आपने ऊपर निकाला है कि c की वैल्यू a के बराबर है, तो c की जगह पे उठा के हम a पुट कर देंगे, तो 4a + 2 c की जगह पे a पुट कर देंगे क्योंकि c और a बराबर है, इज इक्वल टू 6, 4a + 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू आ जाएगी 6/6, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, आई ना बेटा ए की वैल्यू 1, अब इस ए की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट कर दो तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए के बराबर, ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू भी 1 आ गई, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 1 दोनों चीज़ हो गई, तब मैं कि नहीं आया, पहले ये बताओ अच्छे से। अब देखो 4b + 2d इज इक्वल टू 0, 4b + 2d इज इक्वल टू 0, तो 4b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2d, 2d को आप जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो -2d हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, -2d/4, वो 2 1 2 2 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -d/2, ये आई ना, तो यहाँ पे जगह नहीं है, दूसरे पेज में करते हैं आराम से, ये समझ में आ रही ना तीसरी, चलो इतने भी ध्यान रखो हो जाएगा इतने में, b की वैल्यू कितनी आ गई, -d/2, ठीक है, समझ में आएंगे। अब देखो -b + d इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे -b + d इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है, -b + d इज इक्वल टू 6, बी की वैल्यू आपको पता है कितना है, -d/2, बी की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, -d/2 + d इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा बताओ, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो d/2 + d इज इक्वल टू 6, ठीक है, अब इसको यहाँ लिख के सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, देख लो d + d/2 + d इज इक्वल टू 6, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2d, 2d और प्लस d कितना आ जाएगा, 3d/2 इज इक्वल टू 6, ये चीज़ समझ में आई ना, 2 को d से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2d हो गया और प्लस d मिलके हो जाएगा 3d, d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 × 2/3, 2 इधर गया 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 जो है 6/3 आ गया, 3 1 जा 3 2 जा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, अभी जो डी की वैल्यू आई है, ये जो डी की वैल्यू आई है उसको उठा के यहाँ पे डी की जगह पुट कर दीजिए, अब यहाँ पुट करेंगे, समझ में आ रहा ना ये चीज़, नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक पेज से दूसरे पेज सिर्फ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आई है, -4,
तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की जगह 4 रखेंगे तो जाएगा -4/2, -2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है ना, अब देखो मैट्रिक्स आपकी क्या थी, ज़रा देखो मैट्रिक्स क्या थी ज़रा बताओ, ए बी सी डी तो थी ना, ए बी सी डी ऐसी तो थी ना, वैल्यू सारी आई उठा के पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका मैट्रिक्स का। ए की वैल्यू 1 थी, 1 लिख दिया, बी की वैल्यू कितनी आई है -2, -2 लिख दिया, सी की वैल्यू कितनी आई है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 आई है, 1 लिख दिया, डी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, 4 लिख दिया, तो आपकी ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, 1 -2 1 4, क्लियर है बेटा, अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना ठीक है ना, देखो कितना अटपटा लग रहा है लेकिन पूरा पेज में बताया तो कितना अच्छा लग रहा था। ठीक है, इसके बाद देखो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, वैसे ये भी रहा है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, एक टाइप के भले हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं सारे। ठीक, ए मैट्रिक्स निकालना है, निकाल लेंगे बेटा, सोल्यूशन देखो। ठीक है ना, देखो अब देखो ए मैट्रिक्स निकालना है तो मैं डायरेक्ट ए मैट्रिक्स का फॉर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 2x2 का होगी, कैसे होगी क्यों होगी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ नहीं बताने जा रहा। ठीक है, तो जो ए मैट्रिक्स होगी वो कुछ तरीके की होगी, उसके एलिमेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक है ना, फिर ए बी इज इक्वल टू सी है, अब इसको रख के हम पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा आसानी के साथ, ओके, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए पुट कर लेते हैं, क्या है आपका, ए बी इज इक्वल टू सी है ना, ए बी इज इक्वल टू सी, ए आपने मान लिया है, ए बी सी डी, बी कितना आया ज़रा देखो, ये है -4, 2, 5, -1, सी कितना है ज़रा देखो, ये है 17, -1, 47, -3, 13। ठीक है, यही ना, चलो फिर वही चीज़ है, 17, -1, 47, -13, पहली रो पहला कॉलम, ए को -4 से करेंगे तो आएगा -4 है, बी को 5 से करेंगे तो आएगा +5 भी है, पहली रो दूसरा कॉलम, ए को 2 से करेंगे तो आएगा 2 है, बी को -1 से करेंगे तो आएगा -3, दूसरी रो पहला कॉलम, सी को -4 से करेंगे तो आएगा -4c, डी को 5 से करेंगे तो आएगा 5d, दूसरी रो दूसरा कॉलम, सी को 2 से करेंगे तो आएगा 2c, डी को -1 से करेंगे तो आएगा -3। क्लियर है बेटा, अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो अब दो दो इक्वेशन हम उठा के पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे कैसे, -4a+5b इज इक्वल टू कितना है 17 है, -4a+5b इज इक्वल टू 17 है, फिर हो जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू -1। अगर इस सेकेंड वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो एज इट इज़ रहेगी, -4a+5b इज इक्वल टू 17, सेकेंड वाली इक्वेशन देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 है, फिर 2 को -b से करेंगे तो हो जाएगा -2b, 2 को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -2, सॉल्व कर लो इसको, 4a -4a+4a कैंसिल आउट हो गया, 5b -2b आएगा 3b, 17 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 15, बी की वैल्यू कितनी आ गई 15/3, 3 1 3 5 बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, समझ में आया ना अच्छे से। अभी जो बी की वैल्यू 5 आई है उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, यार इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, जो बी की वैल्यू 5 आई है उठा के यहाँ पे पुट करो, तो आप लिखोगे पुट, ऐसे कर लेना, पुट बी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, पुट कर दो, -4a+5, ये इक्वेशन 1 है, 5 × b की जगह पर जब 5 पुट करोगे तो 5 × 5 मिलकर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 17। ठीक है ना, 25 - 17 इज इक्वल टू 4 है, और मैं 17 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -17 हो जाएगा, और -4 को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 ए हो जाएगा, 25 में से 17 माइनस होगा कितना आ गया 8 बचेगा इज इक्वल टू 4 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8/4, 4 1 4 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ए की वैल्यू बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, अब सी और डी की बारी है तो इसको भी निकाल लेंगे, देखिए -4c+5d इज इक्वल टू 47 हो जाएगा, -4c+5d, ठीक है, कंपेयर करना है बस, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लो आंसर आता चला जाएगा,
और टू सी माइनस डी, टू सी माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 13 है। अब देखो जो सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड तो नहीं कहेंगे, फर्स्ट सेकंड तो हो गई थी, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मान लो, ये फोर्थ वाली इक्वेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे टू से, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, थर्ड वाली इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, माइनस फोर सी प्लस 5d। अच्छा मल्टीप्लाई करते क्यों, ये तो समझ में आ रहा ना, सी या डी में से किसी एक का कोफिशन बराबर करने के लिए, मैं सी का कोफिशन बराबर कर रहा हूँ, ठीक है, टू को टू से करेंगे तो आएगा फोर सी, ऐसे रहेगा, ठीक है, टू को माइनस डी से करेंगे तो आएगा माइनस टू डी, टू को माइनस थर्टीन से करेंगे आएगा माइनस 26, ठीक है, फोर माइनस फोर सी प्लस फोर सी खत्म। अरे भैया फोर सी के आगे कोई सा साइन नहीं, तो बाई डिफॉल्ट प्लस ही होगा, 5d में से 2d माइनस होगा आएगा 3d, 47 माइनस 26 कितना आएगा 21 आएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 21 अपॉन में 3, 3 वन ज़ा 3 सेवन ज़ा, डी की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 पुट कर दो, 3 मान लो, ठीक है ना, अब जो d की वैल्यू 7 आई है इसको आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, पुट कर दो डी की जगह पे 7 हो जाएगा माइनस फोर सी प्लस 5 इंटू डी की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 47, तो माइनस फोर सी इज इक्वल टू 47 माइनस 35, माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस फोर सी इज इक्वल टू 47 में से 35 माइनस करेंगे 12 आएगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 अपॉन में माइनस फोर, माइनस फोर 12 के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, 4 वन था 4 3 था, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3 आ गई, ठीक है, ये भी अब देखो यहीं पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सारी वैल्यू कुछ ऐसा था, एक ए मैट्रिक्स किस फॉर्म का था, ए बी सी डी फॉर्म का था, हमने जो माना था अपनी तरफ से वेरिएबल, सबकी वैल्यू निकल गई है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 2 है, उठा कर 2 पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दो, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 पुट कर दो, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दो, ओके बेटा समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, ये माइनस 3 है। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, आगे मैं एमसीक्यू और चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, स्टूडेंट आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है, अभी सुबह के आपने अभी अजान की आवाज़ सुनी होगी, इस वक्त सुबह के तकरीबन 4:45 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे थोड़े एफर्ट्स को आप लोग सराहें तो मुझे भी अच्छा लगेगा, सराहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे लिए कुछ फेवर करें, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ठीक है, ताकि मतलब जो बच्चे इस वक्त, आप भी जान रहे हो कि बुक सॉल्व कराना बहुत मुश्किल है, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है, और बहुत गर्व चाहिए कराने के लिए, तो अगर कोई बंदा करा रहा है तो उसकी फिर आप एफर्ट्स को थोड़ा सराहें तो उसको भी अच्छा लगेगा, फिर मैं बता रहा हूँ सराहने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए कोई फेवर करें, बस ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, ठीक है, थैंक यू।